प्यारे विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में मैं सुनील भावसार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 हिंदी विशिष्ट व्याकरण के अंतर्गत अलंकारों का अध्ययन करेंगे। आपके हिंदी पाठ्यक्रम में अतिशयोक्ति अलंकार, अनियोक्ति अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार का अध्ययन शामिल है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए अलंकारों की परिभाषा, प्रकार और प्रमुख अलंकारों की परिभाषा और उदाहरण भी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। अलंकार, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक, गुण, धर्म, तत्व या शब्द को अलंकार कहा जाता है। जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता में जिन उपकरणों से अभिवृद्धि होती है, उसे अलंकार कहा जाता है। अलंकार यानी आभूषण या गहना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के माने जाते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार वे होते हैं जहाँ काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। अर्थ अलंकार, जब काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। शब्द अलंकार तीन माने गए हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। अर्थ अलंकार उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति, मानवीकरण, अनियोक्ति और संदेह अलंकार। आपके कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम में अतिशयोक्ति अलंकार, अनियोक्ति अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार, तीन अलंकारों का अध्ययन आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, इसलिए तीन अलंकार महत्वपूर्ण हैं। बाकी आपकी सुविधा के लिए इन सभी अलंकारों की परिभाषा और उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। अनुप्रास अलंकार, जब एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तरण तनुजा तमाल, तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास के 5 भेद माने गए हैं, छेकानुप्रास। छेकानुप्रास वहाँ होता है जहाँ किसी कविता में किसी वर्ण अथवा अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण है, तुम तुंग हिमालय भ्रंग और मैं चंचल गति सुर सरिता। या दूसरा उदाहरण है, सठ सुधरें सत्संगति पाई पारस परश कुधात सुहाई। यहाँ प्रथम उदाहरण में त और शा की आवृत्ति होती है, दूसरे उदाहरण में स और पा की आवृत्ति होती है। दूसरा वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी काव्य पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति 2 बार से अधिक होती है। उदाहरण, तरण तनुजा तट तमाल तरबर बहु छाए, या रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। प्रथम उदाहरण में तावर्ण की आवृत्ति और दूसरे उदाहरण में रा वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार होती है, इसलिए वृत्यानुप्रास अलंकार है। तीसरा लाटानुप्रास, लाटानुप्रास इसे शब्दानुप्रास या वाक्यानुप्रास भी कहते हैं। इसमें समान अर्थ वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय। यहाँ कपूत और सपूत को छोड़कर एक जैसे वर्णों की आवृत्ति हुई है। चौथा अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ चरण या पद के अंत में स्वर या व्यंजन की समानता होती है, अथवा जहाँ अंत में तुकबंदी होती है,
एक सत्तुक मिलता है, तीन चार फूल हैं, आसपास धूल है, बांस है, बबूल है, घास के दुकूल हैं। यहाँ पर ला व्यंजन की आवृत्ति है। और पांचवा श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास अलंकार जहाँ मुख्य किसी एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, अथवा कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। उदाहरण किंग किन नूपुर धुन सुनी। दूसरा उदाहरण है यमक अलंकार। यमक अलंकार वहाँ पर होता है जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग होता है लेकिन प्रत्येक बार अर्थ अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग बाप पाए बोराय। यहाँ कनक शब्द का प्रयोग दो बार हुआ, पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, अतः यहाँ यमक अलंकार है। दूसरा उदाहरण है तो पर वारों उर्वशी, सुन राधि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। यहाँ उर्वशी के तीन अर्थ निकले, उर्वशी मीन्स मतलब माला, उर्वशी का अर्थ दूसरा हृदय में बसी, और तीसरी उर्वशी का अर्थ अप्सरा, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार। तीसरा श्लेष अलंकार, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो लेकिन उसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबिरन को खोजत फिरें कभी व्यावहारी चोर। यहाँ सुबिरन शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ लेकिन इसके अर्थ एक से अधिक हैं। यहाँ सुबिरन शब्द के तीन अर्थ हैं। कवि के लिए सुबिरन शब्द का अर्थ होता है सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुबिरन शब्द का अर्थ है सुंदर स्त्री, और चोर के लिए सुबिरन शब्द का अर्थ है सोना। अतः यहाँ पर सिलेस अलंकार है। दूसरा उदाहरण है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पानी के तीन अर्थ निकलते हैं, चमक के अर्थ में, सम्मान के अर्थ में और पानी के अर्थ में, इसलिए यहाँ पर बिन पानी सब सून में श्लेष अलंकार। उपमा अलंकार, जहाँ दो वस्तुओं या व्यक्तियों में अंतर होते हुए भी उनकी आकृति या गुण की समानता की जाए, यानी गुण के आधार पर जहाँ दो व्यक्ति या वस्तुओं में समानता या तुलना की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण है पीपर पात सरिस मंडोला, या सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पीपर के पत्ते और मन की समानता की गई है, दोनों एक जैसे डोलते हैं, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा के दो भेद माने जाते हैं, उपमा के चार अंग माने जाते हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, उपमान जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं, गुणधर्म या समान धर्म जिस चीज़ की तुलना की जाए वो गुणधर्म या समान धर्म होता है, वाचक जो शब्द तुलना करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं, जैसे सी सा से सम समान, जैसे सरिस आदि। उपमा अलंकार के भेद, उपमा अलंकार के दो भेद माने गए हैं, पूर्ण उपमा अलंकार और लुप्तोपमा अलंकार। पूर्ण उपमा अलंकार वहाँ होता है
जहाँ उपमा के चारों अंग उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म होते हैं, वहाँ पर पूर्ण उपमा अलंकार होता है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, यहाँ पर चारों अंग उपमा के मौजूद हैं। हृदय उपमेय, सागर उपमान, सा वाचक शब्द, गंभीर गुणधर्म। अन्य उदाहरण है चरण कमल सम कोमल। दूसरा भेद है उपमा का लुप्तोपमा। लुप्तोपमा अलंकार वहाँ होता है जब उपमा के चारों अंगों में से यदि एक या दो या तीन अंग ना हो, वहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे कल्पनासी अतिशय कोमल, जैसा हम देख सकते हैं इसमें उपमेय नहीं है, इसलिए यहाँ लुप्तोपमा अलंकार है। उपमान कल्पना सी वाचक शब्द अतिशय कोमल उसका गुणधर्म है, लेकिन उपमेय ना होने के कारण यहाँ लुप्तोपमा अलंकार है। अन्य उदाहरण है लुप्तोपमा के कमल कोमल मुख तुम्हारा, तुम सम पुरुष नमोसम नारी, पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। केकई के संबंध में कहा है लेकिन केकई का नाम नहीं है, अतः यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार होगा। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए, या जहाँ एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। चरण कमल वन दो हरिराई, यहाँ भगवान के चरण अर्थात पैरों को अभेद रूप से अर्थात बिना कोई अंतर किए कमल कहा गया, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। वंदो गुरुपद पदम परागा, सुरुच सुरास सुरुच सुभाष सरस अनुरागा, यहाँ पर पदम अर्थात कमल का आरोप किया गया है। काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल, में रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। या जहाँ पर उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, उदाहरण उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ कवि ने कहा कि जब अर्जुन को क्रोध आया तो क्रोध से उनका शरीर कांपने लगा, ऐसा माना जा सकता है कि हवा की ताकत से सागर की बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कवि ने अर्जुन के क्रोध से सागर के उठने की संभावना प्रकट की, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अन्य उदाहरण मानव सूर काल डारी है, बारी मध्यते मीन, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है क्योंकि कृष्ण के बिच्छू में विकल गायों उपमेय को जल से बिलग की गई मछलियों उपमान के रूप में कल्पित किया गया है। अति कटु वचन के कहत के कई, मानव लौन जरे पर देई, अनुदाहरण मानो झूम रहे हैं तरुभी, मंद पवन के झोंकों से, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार के शब्द होते हैं मानो, मनु, मनऊ, जानो, जनु, जानव इत्यादि। पुनरुक्ति अलंकार, जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उनके अर्थ भी समान हों, तो वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। जैसे पुनः पुनः कहता कौन है माता, कौन है तेरे तात, यहाँ पुनः शब्द का प्रयोग दो बार हुआ और दोनों ही बार पुनः का अर्थ है फिर से, अतः यहाँ पुनरुक्ति अलंकार है। मानवीकरण अलंकार,
मानवीकरण अलंकार, जहाँ बेजान वस्तुओं का चित्रण जीवधारी की तरह हो, या जहाँ पर प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाए, वहाँ अर्थात जहाँ प्रकृति को मानव की तरह चेतन क्रियाकलाप करते हुए चित्रित किया जाए, वहाँ मानवीय अलंकार होता है। आए वसंत महंत, यहाँ महंत अर्थात साधु जो कि एक जीवधारी है की तुलना बसंत ऋतु जो कि बेजान है से की गई है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अन्य उदाहरण है, शोन जूही की बेल अलबेली, आंगन के बाड़े पर चढ़कर दारू खम्ब को गलबाही भर। तीसरा उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। अन्य उदाहरण है, दिवस अपसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी सी परी धीरे धीरे। संदेह अलंकार, जब काव्य में वर्णन इतना संदेहपूर्ण हो जाए कि किसी वस्तु का निश्चय ना हो पाए, तो वहां संदेह अलंकार होता है। जैसे साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की साड़ी है कि नारी है, या साड़ी और नारी में इतना संदेह उत्पन्न हो गया कि नारी और साड़ी का वर्णन करना बहुत कठिन हो गया, अतः यहाँ संदेह अलंकार है। अन्य जो महत्वपूर्ण है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जिनका अध्ययन, वो है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, जब काव्य में लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी बात को ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर कहा जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी अतिशयोक्ति यानी बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना, जहाँ लोक सीमा का उल्लंघन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने आते हैं तो कृष्ण जी उनके पैरों को धोने के लिए परात में जल मंगवाते हैं और उससे उनके पैर धोते हैं, लेकिन इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि श्री कृष्ण ने परात के पानी को छुआ भी नहीं और अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैरों को धोया। यहाँ एक छोटी सी बात को बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर कहा गया, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ पर लंका के जलने की बात अतिरंजित रूप में कही गई है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। तीसरा उदाहरण है, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ चेतक की गति राणा के सोचने से भी तेज बताई गई है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार। अन्य उदाहरण, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अन्य उदाहरण, वह सर इधर गांडीव, गुण से भिन्न जैसे हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। अनियोक्ति अलंकार, अनियोक्ति अलंकार जब काव्य में किसी अन्य के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाती है तो वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। यानी जब प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध किया जाए, या किसी बात को प्रत्यक्ष ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है, वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। जैसे माली आवत देखकर कलियां करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी पार। यहाँ माली का अर्थ मृत्यु अर्थात मौत से है। कवि कहते हैं जिस प्रकार एक माली सभी फूलों को चुन लेता है या तोड़ लेता है, उसी प्रकार एक दिन सबकी मौत निश्चित है। एक दिन माली, एक दिन हमारी भी बारी आएगी और
यमराज माली रूपी यमराज हमें तोड़ लेगा। अतः यहाँ अनियोक्ति अलंकार है। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ काव्य में किसी उक्ति का अर्थ जानबूझकर वक्ता के अभिप्राय से अलग लिया जाता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी जहाँ जानबूझकर कहने वाले के अभिप्राय से दूसरा अर्थ निकाला जाए वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे कौन हो तुम हैं घनश्याम हम, राधा जी श्री कृष्ण से पूछती हैं तुम कौन हो। श्री कृष्ण ने कहा हम घनश्याम हैं, हमारा नाम घनश्याम है। तो राधा जी कहती हैं तो कित बरसो जाए, आप कहीं जाके बरस जाओ। यहाँ पर राधा जी ने घनश्याम शब्द का अर्थ बादलों से लिया। दूसरा मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोकव भोगू। या सीता जी वास्तव में राम के साथ वनवास पर जाना चाहती हैं, लेकिन यहाँ भी कह रही हैं मैं सुकुमारी हूँ, स्वामी बन जाने योग्य हैं, आप वन में जाके तपस्या करें, मैं राजमहल में रहकर सुख भोगूं। लेकिन वास्तव में सीता जी का अभिप्राय ये नहीं था, वे रामचंद्र जी के साथ वन में जाना चाहती थी। अतः यहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। आज के डिजी लेसन में विद्यार्थियों, मैं सुनील भावसार आपसे विदा लेता हूँ। अगले डिजी लेसन में एक नए पाठ के अध्ययन के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।